ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गिवन लिखेंगे हम, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड आपको ये दिया ए डी इजकल टू बी सी, ए डी इजकल टू बी सी ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, एंगल डी ए बी इजकल टू एंगल सी बी ए, ये गिवन है, ये दोनों गिवन लिख दिया हमने। ठीक है, टू प्रूफ में ये सारी चीज़ें प्रूफ, अब ये तो पूरा क्वेश्चन लिखा ही है, अब हम टू प्रूफ दोबारा से, गिवन ठीक है इतना ही ठीक है, प्रूफ करेंगे अब। ठीक है, ये तो अब क्वेश्चन मतलब ये है कि आपका आंसर और बड़ा दिखे इसके लिए आप चाहो तो लिख सकते हैं टू प्रूफ, फिर प्रूफ करो, ये सब किया जा सकता है। अब वहाँ देखिए क्वेश्चन पेपर जब दे रहे होते हैं तो वहाँ तो पेपर में क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, आंसर सॉल्यूशन करना है, वहाँ आप लिख दो तो ठीक है। तो टू प्रूफ में ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ में हमने ये ट्राइंगल लिया ए बी डी, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, जो ट्राइंगल पूछे हैं कॉन्वेंस करने के लिए उन्हीं को ले लिया हमने, ये दोनों ट्राइंगल लिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल आप यहाँ देखिए डायग्राम में, ए बी डी, ए बी डी ये ट्राइंगल है, ये वाला ये ए बी डी, उसके बाद बी ए सी, बी बी ए सी ये है, तो ये वाला ये है, यानी कि ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्वेंस प्रूफ करने हैं। तो देखिए इन दो ट्राइंगलों में हम क्या देख रहे हैं, ए बी कॉमन है दोनों में, देखो इस ट्राइंगल में भी ए बी है और इसमें भी ए बी दोनों में है, तो हम क्या लिखेंगे ए बी इजकल टू ए बी, इसको ए बी इजकल टू बी ए ऐसे भी लिख देते हैं, नहीं तुम सोचोगे कहीं हमने बी ए लिखा देखा ए बी इजकल टू बी ए, वो भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा ए बी इजकल टू ए बी, ये दोनों में है ए बी इसीलिए। ठीक है, अच्छा अब ये इक्वल दिया है तुम्हें बी सी इजकल टू ए डी दिया है, देखो ये गिवन में भी लिखा है बी सी इजकल टू ए डी, या ए डी इजकल टू बी सी, ए डी इजकल टू बी सी, यहाँ कॉमन लिख दो पहले वाले में और दूसरे वाले में लिख दो गिवन, और कुछ दिखाई दे रहा है, एंगल भी तो है, देखो ये एंगल लिख लो, एंगल डी ए बी इजकल टू एंगल सी बी ए, तो डी ए बी कौन सा, देखो डी ए डी ए बी यानी कि ये एंगल, और सी बी ए, सी बी ए यानी एंगल, तो इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, ठीक तो है। तो हमें यहाँ पे दो साइड है, एक एंगल है, ऐसे ऐसे ये तो नहीं होता, लेकिन ऐसे ऐसे होता है, साइड एंगल साइड होता है, तो बाई, तो इसको हम चाहते तो पहले यहाँ लिख सकते थे सिस्टमेटिक, अगर नहीं लिखा गया तो कोई बात नहीं आप, लेकिन रूल तो वही लिखोगे ऐसे ऐसे जो होता है, ऐसे ऐसे ये नहीं होता। ठीक है, ऐसे ऐसे रूल, कॉन्वेंस रूल भी लिख सकते हैं, और ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी ए सी, ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए ट्राइंगल। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल से करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो सी पी सी टी से ये बी डी इजकल टू ये आ जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट तो ये मैंने यहाँ प्रूव कर दिया, सेकंड वाला जो है सेकंड वाले में लिख दो, क्योंकि क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी ए सी अभी प्रूव किया है, तो हम लिख देंगे देन, तब आ जाएगा आपका क्या, बी डी इजकल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इजकल टू एंगल बी ए सी, ये दोनों किससे आ जाएंगे, बाई सी पी सी टी से। देखिए सी पी सी टी से आ जाएंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं, ये वाला और ये वाला, तो देखो बी डी इजकल टू ए सी, बी डी और ए सी, इस ट्राइंगल का बी डी, इस ट्राइंगल का ए सी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और एंगल ए बी डी, देखो ए बी डी यानी इस ट्राइंगल का, और बी ए सी, बी ए सी यानी इस ट्राइंगल का, तो ये सी पी सी टी से आ गया करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्राइंगल। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन का आंसर, कंप्लीट हो गया पूरा, इतना ही है।